जम्मू कश्मीर में आखिरकार ठंड ने दस्तक जो वो दे दी है, तो आइए जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ होंगे मौसम में बदलाव या फिर ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। तो आइए विस्तार में जान लेते हैं पूरी खबर को। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी तमाम दर्शक इस खबर को सुन रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस खबर को कहाँ से सुन रहे हैं और आपके वहाँ पे समय मौसम जो वो कैसा चल रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में हल्की फुल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। आखिरकार कौन सी तारीख से लेकर कब तक जो वो बारिश दिखाई गई है, इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 17 से लेकर 23 नवंबर तक आप लोगों को ड्राई वेदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो देखने को मिलेगा, यानी कि शुष्क जो वो मौसम आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो देखने को मिलेगा 17 से लेकर 23 नवंबर तक। उसके बाद 24 नवंबर से लेकर जो वो बारिश दिखाई गई है जहां पर आपको जनरली क्लाउडी वेदर जो वो नजर आएंगे, उसी के साथ साथ जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल होने के चांसेस बताए गए हैं। प्लेन क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बारिश हो सकती है 24 नवंबर को। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी कहा गया है कि 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एक बार फिर से आप लोगों को मौसम जो वो ड्राई देखने को मिलेगा, उसमें मौसम का कुछ भी चेंजेस वो आपको नहीं नजर आएंगे और बारिश होने की जो संभावना ओवरऑल व्यक्त की गई है वो 24 नवंबर को जो वो की गई है, उसके बाद का मौसम आप लोगों को ड्राई ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आपको बता दूं कि मौसम विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि तमाम जितने भी टूरिस्ट जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग घर से निकलने से पहले अपने बैग को पैक करने से पहले आप लोग मौसम की जो प्रेडिक्शन की गई है उसको अवश्य जो वो जान लीजिएगा, क्योंकि मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में आप लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती है। ये पूरी जानकारी है जो कि मौसम विभाग की ओर से जो वो जारी की गई है। फिलहाल अब देखना यह है क्या कुछ 24 नवंबर को क्या बारिश होती भी है या नहीं होती है, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश वो कीजिएगा। ठंड की बात करें तो लगातार ठंड अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो देखने को मिल रही है। टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट जम्मू कश्मीर में जो वो दोनों जगह ही देखने को जो वो मिल रही है। कश्मीर डिवीजन की बात करें तो वहां पर अच्छी खासी इस समय बर्फबारी भी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन जम्मू के अंदर भी अब सुबह और रात के समय काफी ज्यादा ठंड जो वो देखने को मिल रही है और लोग काफी ज्यादा अब ठंड के दिनों का एहसास करने के लिए भी शुरू जो वो हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश वो कीजिएगा और आप लोगों का क्या कुछ इसके ऊपर विचार है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और आगे की तमाम जानकारी बने रहेगा बाहु एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।